नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपने चैनल जेके स्टूडेंट पर देसी भाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे पोर्टर रैली भर्ती के बारे में और आपको बताएंगे कि पोर्टर रैली भर्ती कब से लेकर कब तक होने वाली है और किन किन कैंडिडेट्स को जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपकी भर्ती कब होगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पोर्टर भर्ती से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी के लिए 9682305011 नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने की एंट्री 1 टाइम ₹30 पेमेंट इसी नंबर पे है। सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती के बारे में। तो सेना पोर्टर भर्ती रैली 20 जून से 22 जून यानी कि 2 दिन ही चलने वाली है। ये भर्ती अखनूर में होगी, ठीक है, अखनूर बस स्टैंड के पास ही होगी। अखनूर बस स्टैंड में पहुँचना है आपको, ठीक है, 19 को। कितनी तारीख को होगी सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सुबह 5 बजे जहाँ पर लाइन लग जाएगी, पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट सांगा ऑडिटोरियम अखनूर में आयोजित की जाएगी, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रहने वाली है। सबसे पहले 20 जून को जम्मू डिस्ट्रिक्ट के तहसील अखनूर आर्निया बाहुबला बिश्ना चौकी चौरा दंसल जम्मू नॉर्थ साउथ जम्मू वेस्ट जोड़ियाँ करनाहा वाली कौर डिस्ट्रिक्ट तहसील के बंदे जाएंगे। 20 को बाकियों को जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले बता रहे हैं। 20 को पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि चौकी चौरा के भी काफ़ी बंदे हमारे कंटेक्ट में हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। ग्रुप में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से कितने कैंडिडेट्स उठाए जा रहे हैं, कितने बंदों का ग्रुप दौड़ रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है वहाँ पर, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेन हैं, तो वो 20 को पता लग ही जाएगा, ठीक है, सुबह ही। तो इसलिए आप लोग ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे दिया है 9682305011, इस नंबर पे मैसेज करना, कॉल नहीं करनी, और ₹30 पेमेंट करने और ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। ये हो गया। 21 जून को रहेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के तहसील मारिया मोडियान मंडल मराह नगरोटा परगवाल रणवीर सिंहपुरा सुचेतगढ़ और रजौरी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, एंड रजौरी डिस्ट्रिक्ट की भी भर्ती 21 जून को है, ठीक है, रजौरी वालों ध्यान से। 22 जून को पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पूरी सांबा रामबन डोडा किश्तवाड़ उधमपुर या कठुआ, इन सभी की भर्ती 22 जून को है, ठीक है। या इंडिया के कोई भी आ सकता है, पंजाब के भी आ सकते हैं, हम 22 को आएंगे नहीं, बाहर के मुझे नहीं लगता, फिलहाल इधर जे एंड के ही रहने वाले हैं। तो 22 को जाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट, मेन जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, आधार कार्ड 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, 2 नहीं 5 5 करवा लेना, और साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कौन सा होता है, ये 10th की मार्कशीट, जहाँ 10th का डिप्लोमा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी चलती है। 10th की मार्कशीट लेके जाना आपको, ठीक है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है पुलिस का। पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग अपने SHO से बनवा लें, वो बन जाता है 1 दिन में, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, और साथ में उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद 10 से 15 फ़ोटो लेके जाना अपने छोटे, और साथ में परिवार के साथ खिंचाए हुए फ़ोटो। घर में क्या करना है, मोबाइल के साथ खींचने या फैमिली के साथ बैठ के फ़ोटो उनको नेट वाली दुकान पर जाके निकलवा लेना है, ठीक है, वो भी आपने 10-12 फ़ोटो लेके जाना है। उसके बाद आपको अपने पासबुक की फ़ोटो कापी लेनी है बैंक की। फ़िलहाल कोशिश करें कि स्टेट बैंक या SBI बैंक वही स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक की फ़ोटो कापी लेके जाएं, जेके बैंक की कम ही लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि जेके बैंक की बहुत ही कम चांस है कि वहाँ पे चले। तो अगर नहीं है आपकी कापी खुल पाती है 1 दिन में या 2 दिन में, तो आप लोग जेके की लेके चले जाना, बट आपको बता दें कि कोशिश करें कि SBI की खुलवा लें, 1 ही दिन में ओपन हो जाती है कापी, ठीक है। बाकी अभी भर्ती दूर है आप लोगों की, 22 जून को है रामबन डोडा किश्तवाड़ रियासी जम्मू रियासी सांबा और कठुआ की, ठीक है, बाकी वालों की ये होगी। अब सबसे बड़ा डाउट्स बच्चों के माइंड में है कि भाई ये भर्ती क्या है, इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, तो आपको बता दें कि ये भर्ती सिर्फ कितने चिर की है, 6 महीने की जॉब है, ये 6 महीने के बाद आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, 6 महीने की नौकरी है। फिजिकल आपका कुछ भी हो सकता है, आपसे 25 किलो वेट उठा के भगाया जा सकता है। इसमें कोई रिटर्न नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना, इसमें आपको बता दें कि आपकी फ़िटनेस के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी, कोई हाइट शाइट कुछ नहीं मेजर होगी इसमें। मेडिकल
और जहाँ पर रनिंग के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी। बाकी 30,000 आपकी सैलरी मिलेगी। ड्यूटी आप लोगों की लेह लद्दाख या श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में रहेगी। 6 महीने नौकरी है, 6 महीने के बाद आपको घर में भेज दिया जाएगा। 30,000 सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा 6 महीने के अंदर। तो आप लोग जा सकते हैं, चक्कर मार सकते हैं। ये नहीं होना कि, ये नहीं करना कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के चले जाना उधर, तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इस भर्ती को छोड़ दो। अगर आप फ्री हैं, घर में हैं या आप बेले हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं भारतीय सेना के साथ काम करने के लिए, तो आप लोग भर्ती देखने जाएं, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं चले जाना क्योंकि उधर धक्का मुक्की भी होने की उम्मीद है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, हमने जो भी था प्रॉपर तरीके से बता दिया। कोई डाउट्स क्यूरीज होगा फिर भी आप लोग हमें मैसेज करें। और 20 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 8 बजे क्या रिपोर्ट है ग्राउंड की, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही पता चलेगी। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे दिया। ऑल द बेस्ट, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और भी भर्ती आने वाली है, टीए की भर्ती आने वाली है, पहले बता रहा हूँ। जब बॉर्डर की भर्ती है, टीए की भर्तियाँ भी आने वाली है। टीए की भर्ती भी ओपन भर्ती होती है, कोई फार्म शार्म नहीं भरना आपको, सीधे चुप करके उधर चले जाना अपने डॉक्यूमेंट अपना बैग उठा के, ठीक है। कोई फार्म शार्म कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वो 20 को चले जाना, इन्होंने 21 को उन्होंने अपनी जहाँ पर डेट लिखी है उसी हिसाब से जाना है, ठीक है। ओके।